बॉबी झा MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं एक नजर आज की हेडलाइन पर। बीजेपी की राज्य लक्ष्मी साह पर 135 करोड़ कर्ज। दिल्ली में कांग्रेस से दोस्ती के लिए आम आदमी पार्टी ने रखी ये शर्त। अहमद पटेल ने पूछा भाजपा नेताओं पर छापेमारी क्यों नहीं हो रही। अब खबरें विस्तार से। सबसे ज्यादा देनदारी वाले कैंडिडेट्स में उत्तराखंड की टिहरी गढ़वाल सीट से बीजेपी की माला राज्य लक्ष्मी साह का नाम है, जिनके ऊपर 135 करोड़ से ज्यादा की देनदारी है। वहीं बिजनौर से BSP कैंडिडेट मलुक नागर पर 101 करोड़ से ज्यादा का कर्ज है। दिलचस्पी तथ्य यह भी है कि मलुक नागर 249 करोड़ की अचल संपत्ति के साथ यूपी में पहले चरण के चुनाव में सबसे अमीर उम्मीदवार भी है। पहले चरण का चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों में 213 के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज हैं। इनमें से 146 के खिलाफ गंभीर आपराधिक केस चल रहे हैं। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस आप के बीच राजनीतिक गठबंधन होने से पहले दूरियां बढ़ने लगी। आपने कहा कि हरियाणा में गठबंधन के बिना दिल्ली में दोस्ती नहीं करेंगे। कांग्रेस ने हरियाणा में गठबंधन से इनकार कर दिया। पिछले हफ्ते बुधवार को जब दोनों दलों के नेता मिलने के बाद जो खबरें आई उससे लगा कि जल्द ही गठबंधन की घोषणा होने वाली है, मगर हरियाणा में सीटों के बंटवारे को लेकर दोनों दलों के बीच बातचीत पर एक बार फिर ब्रेक लग गया। जानकारी के अनुसार माने तो 5 दिनों में दोनों दलों के नेताओं की ओर से गठबंधन को लेकर कोई भी। अहमद पटेल ने कहा कि अगर उस उपचुनाव में आप व JJP के साथ कांग्रेस मिलकर लड़ती है तो भाजपा हार जाती है, मगर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के अहंकार को ठेस पहुंच रही है। कांग्रेस भ्रम में जी रही है। हम उन्हें बताना चाहते हैं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी भाजपा को हराने के सक्षम में है। तो MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।